हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं अष्टांग हृदय का जो सूत्र स्थान का छठा चैप्टर है, अर्थात अन्न स्वरूप विज्ञानी अध्याय के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे मांस वर्ग, अर्थात आपके सिलेबस में क्या लिखा है। तीसरा पॉइंट देखेंगे सुखधान और शिमली धान्य के बाद तीसरा जो पॉइंट है वो है मांस से सामान्य गुण, अर्थात मांस के सामान्य गुण, सिंपली हम इसको मांस वर्ग कहते हैं। इसको हम लोग और क्लैरिफाई करना चाहें तो द प्रॉपर्टीज ऑफ मीट ऑफ वेरियस एनिमल्स, जो मांसाहारी व्यक्ति होते हैं, बहुत से बच्चे या बहुत से लोग कहीं ना कहीं ये जो आहार की जो परंपरा होती है, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ सर्वाहारी होते हैं, तो उसमें देखेंगे जो मांस खाते हैं तो उन लोगों ने मैक्सिमम लोग जो है मुर्गे का मांस खाते हैं, बकरे का मांस खाते हैं, कुछ लोग भेड़ का मांस खाते हैं या कुछ लोग कबूतर का मांस खाते हैं। अलग अलग मांसों के अलग अलग ग्रुप बताए गए, उनके बारे में आज पढ़ेंगे। तो ये देखते हैं मांस वर्ग की बात करते हैं। तो आचार्य वाग्भट ने मांस वर्ग में देखा मांस की योनि की बात की है। मांस की योनियां कितनी होती है, पहला प्रश्न। मांस की योनियां होती है या मांस की जातियां होती है कितनी होती है, आठ। मांस की योनियां मतलब मांस कितने प्रकार की होती है, मांस के जाति या योनि मतलब प्रकार टाइप जाति आठ प्रकार की होती है। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आठ प्रकार हम लोगों को नाम दिया है। पहला है मृग, जो मांस की आठ योनियां आराध जातियां हैं, देखेंगे मृग है। दूसरे नंबर विस्किर है, तीसरे नंबर प्रतुद है, चौथे नंबर पे विलेश है, पांचवें प्रशर है, छठे पे महामृग है, सातवें पे जलचर है और आठवें पे मत्स्य है। तो एक एक करके ये आठ चीजें हैं। अब ये आठ चीजें हैं, इसको आठ को हम लोगों ने थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया है। जो आठ जातियां हैं मांस की, इसको थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया है। हम लोग इसको इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आठ तीन ग्रुप कौन कौन से, पहला जांगल देसी है, दूसरा है आनुप देसी है, तीसरा है साधारण। मींस जांगल देसी में शुरू के तीन आएंगे, अर्थात मृग विस्किर प्रतुद, शुरू के तीन जो आठ योनियां हैं उसमें शुरू के तीन, पहला दूसरा तीसरा, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है जांगल देसी में आएंगे। तो जांगल देसी और लास्ट के तीन, अर्थात लास्ट के तीन मतलब महामृग छह सात आठ, अर्थात महामृग देखेंगे छह सात आठ क्या है, आनुप देसी में आएंगे। आनुप देसी का मतलब सिंपली हम लोग बात करेंगे तो उसमें कौन कौन से आएंगे, महामृग जलचर और मत्स्य, ये आनुप देसी में आएंगे। बाकी जो बीच के दो है अर्थात प्रसह और विलेशय, विलेशय और प्रसह बच जाते हैं, वो किस में आएंगे, वो साधारण में आएंगे। तो देखते हैं जांगल देसी का क्या मतलब होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। जांगल देसी का सामान्य अर्थ ऐसा नहीं होता कि जंगल होता है, तो जंगल की तरह होता है। जंगल का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर जंगल की तरफ होता है, इसका मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि पेड़ पौधे के साथ पानी भी मिलते हैं, तो जंगल देसी इसको कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पेड़ जो है कम रहते हैं, पानी भी रहते हैं, थोड़ा सा पानी रहता है, थोड़ा पेड़ रहेगा, इसको हम लोग जंगल देसी कहते हैं। आनुप का मतलब क्या होता है, आनुप का मतलब होता है कि वैसा स्थान जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा हो और पेड़ पौधे भी ज्यादा हो। पेड़ पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो यहाँ बीमारियां ज्यादा होती है, और साधारण का मतलब होता है दोनों का मिला जुला रूप। तो जांगल देसी थोड़ा सा जंगल वाला जो स्थिति आती है, जो रेगिस्तान होता है, वो जांगल देसी में आ जाएगा। यहाँ पानी की कमी होती है थोड़ी सी इस देश में, जांगल देसी में पानी आनुप वाले में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, आनुप मतलब जलीय, और साधारण का मतलब दोनों के मिला जुला, दोनों के बीच का जो होता है उसको बोलते हैं। तो चौथा पांचवा साधारण देसी में आ जाएंगे, अर्थात कि विलेश और प्रस आपके साधारण देसी में आ गए। तो प्रश्न पूछता है कि जांगल देसी या कौन कौन से मांस होते हैं, तो जांगल देसी में एक दो तीन अर्थात मृग विष्कर और प्रतुद, और आनुप में देखेंगे तो छह सात आठ अर्थात महामृग जलचर और मत्स्य, और जो बीच में साधारण है वो चौथा पांचवा अर्थात विलेश और प्रश आएंगे। तो इस तरह से हम लोग को याद कर लेना है, शुरू के तीन जांगल है, लास्ट के तीन आनुप देशी है, और बीच के क्या है विलेश और प्रश साधारण देशी होते हैं। तो आइए देखते हैं कि पहले एक एक करके डिफाइन करेंगे कि मृग विष्कर प्रतुद विलेश प्रसह महामृग जलचर मत्स्य, ये आठ मांस की योनियां होती हैं, इनके गुण क्या होते हैं, एक्चुअली इसको कहते कैसे, डिफाइन कैसे करेंगे। तो आइए आप लोग डिफिनेशन की बात करते हैं। मृग, मृग मतलब क्या होता है कि जो जो एनिमल क्या होते हैं, जो जानवर चलते रहते हैं, कुछ ढूंढते रहते हैं। तो कुछ एनिमल या जानवर ऐसे होते हैं जो हमेशा चलते रहते हैं, कुछ ढूंढ, ऐसा लगता है उनका कुछ खो गया है, तो उस तरह के जानवर को हम लोग क्या बोलते हैं, मृग बोलते हैं। इसमें देखेंगे आप हिरण, आपने देखा होगा हिरण को एक जगह पर स्थिर रखे खाना नहीं खाता है, शाकाहारी होता है, तो हिरण जिसको हम लोग हरिण बोलते हैं, हरिण, हरिण उसी की एक प्रजाति होती है एड़। आप लोग संहिताओं में देखेंगे एड़ है, हरिण है, कुरंग है, शश, खरगोश, खरगोश भी मृग में आते हैं। तो खरगोश मृग में आते हैं, तो खरगोश को आपने देखा हो कहीं स्थिर होकर एक जगह नहीं, हमेशा चलते रहेंगे, कुछ ना कुछ खाते रहेंगे, ढूंढते रहते हैं, जो चलते रहते हैं कुछ ढूंढते रहते हैं, ये मृग कहलाते हैं। इसमें हरिण अर्थात हिरण, एड़ ये भी हिरण का प्रकार है, कुरंग भी हिरण की एक जाति होती है, और शश अर्थात
जो खरगोश होते हैं वो भी मृग में आते हैं। आइए दूसरे नंबर की बात करते हैं, विषकीर। विषकीर की बात करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे विषकीर का मतलब क्या होता है, इसको जानना जरूरी है। जो अपने पैर अर्थात चोंच से कुरेद कर या बिखेर कर आहार द्रव्यों को खाते हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे पशु पक्षी कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो कि अपने चोंच से बार बार, चोंच मतलब बीक से, जो पक्षी होते हैं अपने बीक से जो होता है बार बार, जैसे होता है कोई चीज मिट्टी को हटा हटा के, जैसे उनका कोई चीज ढूंढ गया खो गया हो तो उसको हटा हटा के, जैसे गंदगी के ढेर में जैसे कीड़े उनको बिनना होता है। तो उसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो मोर है, सॉरी इसमें देखेंगे मोर है, लाव है, मोर है, मुर्गा है, लाव है, चकोर है, बटेर है। तो यहाँ पर देखेंगे आप सिंपली मुर्गे की बात करेंगे, जो आपने मुर्गे देखे होंगे किस तरह से मुर्गे अपना आहार द्रव्य लेते हैं, तो उनको सामान्य उनका आहार द्रव्य में कीड़ा होता है, तो हम उसको देखेंगे गंदगी में, वो उसको चोंच से या पैर से कुरेद कुरेद कर बिखेर बिखेर कर उसको कीड़े को बिनते हैं और खाते हैं, तो ये आपके विषकीर में आ जाएंगे। प्रतुत का क्या मतलब होता है, प्रतुत का मतलब जो पक्षी अपनी चोंच से या पैर से बार बार आघात कर आहार करते हैं ये प्रतुत कहलाते हैं। तो देखेंगे कि जो विषकीर है वो भी अपने चोंच या पैर से ही आहार द्रव्य को मतलब बिखेर कर खाता है, लेकिन जो प्रतुद है वो अपने चोंच या पैर से उसको जो अपने आहार द्रव्य होता है उसको आघात करता है, पहले उसको घायल करता है, कमजोर करता है, मारता है, देन खाता है, उसको प्रतुद कहलाते हैं। तो प्रतुद में क्या करता है, घायल करता है चोंच या पैर से। तो देखेंगे यहाँ पर शूक, शूक मतलब क्या होता है, तोता, पैरट्स, पैरट ठीक है, तोता होता है, कोकिल, कोकिल मतलब कोयल, कोकिल मतलब कोयल, और चटक, चटक मतलब गौरैया, ये क्या होते हैं, तीनों प्रतुद में आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे विलेशय, विलेशय का सामान्य अर्थ है जो बिलों में रहते हैं, जो छेद बनाकर रहते हैं जमीन के अंदर, बिल बनाकर रहते हैं उसको विलेशय कहते हैं, बिलों में रहने वाले जो भी जानवर होते हैं उसको विलेशय कहते हैं। इसका नाम ले से सर्प, देखेंगे सर्प, सांप, सांप बिलों में रहते हैं, गोह, गोह भी बिलों में रहते हैं, मेढक, मेढक भी गर्मियों के समय में बिलों में चले जाते हैं, पानी में वैसे रहते हैं लेकिन जनरली गर्मियों में बिलों में चले जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, विलेशय में मेढक, सर्प, गोह आते हैं। उसको देखेंगे प्रसह, पांचवें नंबर पे जो है मांस की जो योनि है पांचवें नंबर की, प्रसह है जो झपट कर खाते हैं, प्रसह मतलब प्रसह अर्थात झपट कर खाना खाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो जो एक तरह से मांसाहारी, जैसे अगर देखें चीता है, शेर है, चीता और शेर जब कभी भी अपने ये मांसाहारी होते हैं अपने भोजन को छींट कर खाते हैं, जैसे कहते हैं ना दांत से फंसाते हैं, खींचते हैं, तो इसको कहते हैं झपट कर खाना, इसका मतलब प्रसह अर्थात गाय और गधा घोड़ा भी आते हैं, ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ चीता और शेर से याद रहेगा कि प्रसह मतलब जो अपने भोजन को खींच कर या झपट कर खाते हैं प्रसह कहलाते हैं। देखेंगे महामृग, महामृग की बात करते हैं, जो घास खाने वाले मृगों में बड़े मृग जो है महामृग कहलाते हैं। तो मृग में देखा होगा जो चलते रहते हैं, कुछ ढूंढ कर खाते हैं, उसमें ये सब कुछ शाकाहारी, मृग वाले जो भी एनिमल है, जो भी जानवर है शाकाहारी है, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगर इसी ग्रुप में जो बड़े बड़े जानवर होते हैं, महा मतलब बड़े, तो ये महामृग मतलब बड़े जो मृग जो होते हैं, जो शाकाहारी जो जानवर होते हैं, बड़े साइज में बड़े होते हैं, लंबे होते हैं, वो क्या कहते हैं, महामृग कहलाते हैं। घास खाने वाले मृगों में बड़े मृग महामृग कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे गाय, गाय बड़ी शाकाहारी जंतु है, भैंस, हाथी, नील गाय, ये सब शाकाहारी है लेकिन बड़े हैं, लेकिन मृगों के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन महामृग कहलाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा मृग जो है आपके जंगल देसी में आ जाएगा, मृग जो है पहले नंबर पे है तो जंगल देसी में आ जाएगा, लेकिन महामृग ये आपका छठे नंबर पे है तो आनुपदेशी में आ जाएगा, तो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है। देखेंगे उसके बाद है जलचर, जलचर नाम से पता चलता है कि जो जल में विहार करने वाले होते हैं, जल में चलने वाले होते हैं, तैरने वाले होते हैं, जलचर कहलाते हैं। उसमें देखेंगे हंस है, सारस है, बगुला है, हंस है, सारस है, बगुला है, ये क्या करते हैं पानी में ही चलते हैं, तैरते हैं, इसलिए इसको जलचर बोलते हैं। उसमें देखेंगे मत्स्य वर्ग, मत्स्य वर्ग का नाम जैसे आपको मछली याद आती है, मछली के साथ साथ इसमें जल में रहने वाले अन्य एनिमल भी होते हैं, जैसे रोहित मतलब मछली हो गई, रोहित मछली हो गई, कछुआ जल में ही रहता है, केकड़ा मछली, एक केकड़ा जो होता है वो भी जल में रहता है जिसके आठ पैर होते हैं, शुक्ति आपने देखा होगा, सीपी, सीपी जिसको कहते हैं शुक्ति अर्थात शंख, जो बाबा जी या जो पूजा पाठ में शंख बजाया जाता है पू इस तरह से, तो वो शंख भी क्या है आपका मत्स्य वर्ग में आएंगे क्योंकि जल में रहते हैं। और शंभुक, शंभुक मतलब घोंघा, जिसको पाइला, पाइला बोलते हैं हम लोग पढ़ते हैं, तो पाइला अर्थात शंभुक अर्थात घोंघा भी आपके मत्स्य वर्ग में आएंगे। ये पढ़ने के बाद हम लोग आ जाते हैं कि इनके मांस की प्रॉपर्टी क्या होती है। अभी तो हम लोगों ने पढ़ा
कि ये आठ मास की योनियां होती हैं और इन आठों के कैसे डिफाइन करेंगे, उनके एग्जांपल क्या है, ये आपको याद कर लेना है, समझ में आ गया होगा। आइए बात करते हैं कि जांगल, जांगल था जंगली जीवों के मांस से गुड़, तो ये जांगल जो देशी जो एनिमल होते हैं उनके मांस के गुड़ कैसे होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो यह देखेंगे तत्र बद्धमला, इनके मांस खाने से क्या होता, मल जो होता बदबर बदकर आता था, मांस को बांधने वाले होते हैं। तत्र बद्धमला शीत, शीतल होते हैं, लघु होते हैं। जांगल, जो जांगल या जंगली जीवों के मांस होते हैं वो मल को बांधने वाले होते हैं, शीतल होते हैं, लघु होते हैं, साथ ही साथ हिता अर्थात हितकारी होते हैं। उसके साथ साथ देखेंगे दोषों का रूप कैसा होता है, तो पित्तोत्तरे अर्थात पित्त को ज्यादा बढ़ाने वाले होते हैं। वात मध्य, वात को मध्यम करने वाले होते हैं। और कफानुगे, कफ को एक मिनिमम मात्रा में बढ़ाने वाले होते हैं। उसके बाद देखेंगे हम लोग कि शश अर्थात खरगोश के मांस का गुण, तो शश खरगोश किस ग्रुप में है, मृग वर्ग में है, तो मृग वर्ग की बात करते हैं, उसके गुण में देखेंगे मृग वर्ग में खरगोश के गुण की बात करते हैं। तो देखेंगे खरगोश का जो मांस जो व्यक्ति खाता है तो उसको खाने से क्या होता है, दीपन कटुकह पाके ग्राही रुच्छो हिम शश, शश मतलब होता है खरगोश, तथा जो खरगोश का मांस होता है वो दीपन अर्थात अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। कटुपाके मतलब उसका विपाक, कटुक विपाक होता है, ग्राही होता है, रुच होता है और शीतल होता है मांस। उसके बाद कर देखेंगे हम लोग कि मृग के बाद विस्किर आता है, विस्किर में देखेंगे हम लोग क्या है, मोर मुर्गा आदि का मांस के गुण, मोर और मुर्गा, तो देखेंगे यहाँ मोर भी है मुर्गा भी है। विस्किर, विस्किर जो है अपनी चोंच या पैर से कुरेद कर खाते हैं, बिखेर कर खाते हैं, उसको विस्किर वर्ग में रखा गया। तो मोर या मुर्गा, कुछ लोग मोर पहले तो मोर खाते भी थे, या अब तो मोर की संख्या खत्म हो गई है, कम हो गई है, तो इस तरह से एंडेंजर्ड में आ गए हैं। उसको देखेंगे मुर्गा, मुर्गा तो बहुतायत मात्रा में लोग नॉनवेज होते हैं खाते हैं, तो अभी भी आजकल डे पर डे या जो भी जैसा है हॉस्टल में इस तरह से खाते रहते हैं, तो मुर्गे की बात करते हैं, सामान्य ये समझ में आ जाएगा। तो पहली लाइन मोर के लिए, दूसरी लाइन मुर्गे के लिए है। मोर के गुणों की बात करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि न अधिपत्य अर्थात अधिपति अधिक हितकारी नहीं है, मतलब न अतिपथ्य, न अतिपथ्य मतलब होता है कि पथ्य मतलब हितकारी, बहुत अधिक हितकारी नहीं है, फिर भी शिखी, शिखी मतलब मोर का जो मांस होता है, ध्यान से सुनिएगा, जो मोर का मांस होता है न अतिपथ्य बोला गया अर्थात शरीर के लिए बहुत अधिक लाभकारी या हितकारी नहीं बोला गया है, फिर भी पथ्य अर्थात हितकारी किसके लिए बोला गया है, स्रोत्र अर्थात कानों के लिए, स्वर अर्थात वाणी के लिए जो बोल रहे हैं स्वर उसके लिए, और वय अर्थात युवावस्था के लिए, और दृशाम अर्थात दृष्टि के लिए क्या है, बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पथ्य होता है, हितकारी होता है। बोला गया न अतिपथ्य अर्थात जो मोर का मांस अत्यधिक पथ्य नहीं होता है, फिर भी पथ्य किसके लिए है, हितकारी किसके लिए है, स्रोत अर्थात कानों के लिए, स्वर के लिए, युवावस्था के लिए और नेत्रों के लिए हितकारी होता है, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद देखेंगे दूसरा है मुर्गे का मांस, तदवच मतलब जो मुर्गे का मांस होता है मोर के मांस के समान ही गुणों में होता है, लेकिन उसके साथ साथ अधिक मात्रा में वृष्य होता है, कुकुटू मतलब मुर्गा का मांस जो होता है, तदवच अर्थात मोर के समान ही जो मांस के गुणों में होता है उसके साथ साथ वृष्य होता है, वृष आप देखते हो कि जो मुर्गे का मांस जो होता है खाने से मैथुन शक्ति बढ़ती है, तो वृष्य बोला गया। और साथ ही साथ उसमें भी वो मुर्गा अर्थात ग्राम्यस्तु श्लेष्मला गुरु, जो गांव के जो मुर्गे होते हैं, जो गांव में जो पाले जाते हैं मुर्गे, ग्राम्यस्तु मीन्स जो मुर्गे पाले जाते हैं वो मुर्गे क्या होते हैं, ग्राम्यस्तु मतलब होता है पाले गए मुर्गे, अर्थात जो इधर उधर ज्यादा भटकते नहीं है, एक दरबे में बंद रहते हैं, घरों में पैक रहते हैं। यहाँ ग्राम्यस्तु का मतलब क्या है कि जो मुर्गे एक जगह पाले जाते हैं, जो रखे जाते हैं, कम दौड़ने वाले होते हैं, वो श्लेष्मल अर्थात कफ को बढ़ाने वाले और गुरु भारी होते हैं, उनके मांस गुरु होते हैं। उसके बाद देखेंगे चटक अर्थात गौरैया के मांस का गुण, चटक देखेंगे किसमें आता है, चटक जो है प्रतुद में आएगा, तो चटक की बात मांस के गुणों की बात कर लेते हैं। तो चटक गौरैया हम लोग फाइनल में देखेंगे तो बाजी कण में यूज किया गया है, अर्थात मैथुन शक्ति को बढ़ाने में इसके मांस का बहुत ज्यादा उपयोग किया गया है, इसके बहुत सारे योग के निर्माण की बात करेंगे फाइनल प्राप्त में। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की बातें हम लोग देखेंगे, चटका अर्थात जो गौरैया का मांस होता है श्लेष्मला अर्थात कफ को बढ़ाने वाला, स्निग्ध वातग्ना और वात का शमन करने वाले, कफ को बढ़ाता है लेकिन वात का शमन करता है, साथ ही स्निग्ध होता है, शुक्रला परम
शुक्र को बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम होता है। उसके बाद देखेंगे विलेशादि मांस के गुण, जो बिलों में रहने वाले जो मुर्गी का बिलों में रहने वाले जो जानवर होते हैं बिल में रहने वाले, तो विलेशा में देखेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर सर्प है गो है मेढक है विलेशा में आते हैं, तो उसके बारे में बोला गया है कि विलेशय आदि जो वर्ग के हैं विलेशय प्रशय महामृग आदि के जो जो ग्रुप के जो एनिमल होते हैं उनके मांस होते हैं वो क्या होते हैं, तो गुरु 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 उष्ण स्निग्धा मधुरा वर्गास्त अतो थोत्रम, अर्थात कि विलेशय और उसके आगे के जो अन्य मांस अन्य ग्रुप के जो मांस होते हैं वो क्या होते हैं, गुरु होते हैं उष्ण होते हैं स्निग्ध होते हैं मधुर होते हैं, साथ ही साथ क्या होते हैं मूत्र शुक्र कृतो अर्थात मूत्र और शुक्र को बढ़ाने वाले हैं करने वाले होते हैं, साथ ही साथ बलकारी होते हैं बल्या अर्थात बल को बढ़ाने वाले होते हैं, वातगना वात का शमन करने वाले होते हैं कफ पित्तला और कफ पित्त को बढ़ाने वाले होते हैं, क्योंकि वात का शमन करते हैं लेकिन कफ पित्त को बढ़ाते हैं। फिर देखेंगे हम लोग महामृगादि के मांस के गुण, महामृग किसमें देखेंगे महामृग जो घास खाने वाले बड़े मृगों में वाले जो मृग होते हैं वो महामृग कहलाते हैं, इसमें गाय भैंस हाथी नीलगाय आते हैं, ठीक है महामृग आदि के गुण, तो शीता महामृगास्तेसु अर्थात जो महामृग होते हैं वो शीतल होते हैं, तो महामृग जो होते हैं उनके मांस क्या होते हैं सामान्यतः शीतल होते हैं। उसके बाद देखेंगे कि महामृग में भी जो सॉरी फिर देखेंगे प्रसव प्रसव में देखेंगे प्रसा जो झपट कर खाते अर्थात मांसाहारी होते हैं, तो जो प्रसव में जो मांसाहारी है देखेंगे प्रसव में क्या है देखेंगे चीता शेर ये मांसाहारी लेकिन बाकी ये शाकाहारी है, तो इसमें बोला गया है प्रसव में जो क्रव्याध है प्रसव वाले ग्रुप में जो मांसाहारी एनिमल है जानवर है उनके मांस क्या होते हैं उनके मांस क्या होते हैं उसके मांस पुनः लवण अनुरस उनका जो रस होता है वो अनुरस होता है लवण अनुरस होता है पाके कटुका जो विपाक होता है कटु विपाक होता है और मांस वर्धना मांस को बढ़ाने वाले होते हैं। उसके बाद साथ साथ देखेंगे कि इसी आपके प्रश्न में जो मांसाहारी एनिमल उसकी गुण की बात करें जीर्ण अर्श पुराने से पुराने बवासीर में यूज किया जाते हैं ग्रहणी दोष में प्रयुक्त होते हैं शोष अर्थात जो ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट होते हैं उनमें हितकारी होते हैं आर्ता नाम हितम उनके लिए हितकर होते हैं। उसके बाद देखेंगे बकरे के मांस के गुण बकरे के मांस के गुण सामान्यतः आज के समय में मुर्गे और बकरे का मांस बहुत मात्रा में खाया जाता है, तो हम लोग देखेंगे बकरे के मांस गुण के बारे में बोला गया है, तो बकरे का मांस गुण के बारे में आप लोग जान लीजिए क्योंकि खाते हैं खाते समय आपस में डिस्कस जरूर कर लीजिएगा बच्चों कि न अतिशीत तो जो बकरे का मांस होता है न अति शीतम न ही बहुत अधिक शीतल न ही बहुत अधिक गुरु न ही बहुत अधिक स्निग्ध होता है, इसका मतलब न अति शीतम गुरु स्निग्धम, तो आपको एक लाइन में याद करिएगा न ही बहुत अधिक शीतल न बहुत अधिक गुरु अर्थात भारी न अधिक बहुत अधिक स्निग्ध होता है, इसका मतलब कि शीत हल्का होता है गुरु हल्का होता है और स्निग्ध हल्का होता है बहुत अधिक स्निग्ध गुरु और शीतल शीतल नहीं होता है। उसको देखेंगे मांसजम अजा अर्थात बकरे का मांस जो होता है इसके बारे में बोला गया है अदोसलम अर्थात दोषों को बढ़ाने वाला नहीं होता है दोषों को बढ़ाने वाला नहीं होता है। देखेंगे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है शरीर धातु सामान्य जो व्यक्ति के शरीर की धातुएं होती है उसी के अनुरूप होती है शरीर धातु सामान्यात अर्थात जो व्यक्ति होता है उसके शरीर जो धातु होती है उसी के अनुरूप होता है बकरे के मांस का जो गुण होता है वो मनुष्य के शारीरिक जो धातुएं होती है उसके अनुरूप होता है, ऐसा होने से वो क्या होता है ब्रिंगड़ होता है और ब्रिंगड़ होने के बाद भी ये न अभिषंदी अर्थात अभिषंदी नहीं होता है। उसको देखेंगे हम लोग लास्ट में देखेंगे लास्ट में क्या भेड़ के मांस के गुण कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो भेड़ का भी मांस का सेवन करते हैं तो भेड़ के मांस के गुणों के बारे में देखेंगे तो यहाँ पर विपरीतो मतो अर्थात जो बकरे का मांस होता है उसके विपरीत जो होता है भेड़ का मांस होता है। यहाँ पर बकरे का मांस क्या बोला गया था न अतिशीतो तो यहाँ पर क्या होगा भेड़ का मांस बहुत अधिक न अति मतलब बहुत अधिक शीतल होता है बहुत अधिक जो भेड़ का मांस होता है न अति शीतो की जगह पे क्या हो जाएगा बहुत अत्यधिक मात्रा में शीतल हो जाएगा बहुत अधिक मात्रा में गुरु हो जाएगा बहुत अधिक मात्रा में स्निग्ध हो जाएगा और साथ ही साथ दोषों को बढ़ाने वाला होता है और क्या होता है गेयम आविकम आविकम मतलब भेड़ अर्थात जो भेड़ का मांस होता है वह ब्रिंगणम तु साथ ही साथ ब्रिंगण ब्रिंगणकारी होता
है, ठीक है ना। तो ये समझ में आएगा कि बकरे का मांस जो था उसके जस्ट अपोजिट भेड़ के मांस को आप लोग याद कर लेंगे। उसको देखेंगे गाय के मांस के गुण, अर्थात कहीं ना कहीं गाय का भी मांस का सेवन किया जाता था, तभी तो यहाँ वर्ड आया है। गो मांस के गुणों की बात करेंगे तो गो मांस, गाय के मांस का देखेंगे कितना चिकित्सकीय उपयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखेंगे विषम ज्वर, विषम ज्वर टाइफाइड जिसको हम लोग बोलते हैं टाइफाइड, टाइफाइड केस में, और अत्यग्नि जिस व्यक्ति को बहुत अधिक भूख लगती है तो उसको भी हम लोग गाय का मांस उसको देते थे, उसकी चिकित्सा कराते थे। उसके साथ साथ शुष्क कास, जिसको सूखी खांसी आती है उनको लिए लाभकारी होती है। जो कास श्रम, जो बहुत अधिक मात्रा थके होते हैं उनको गाय के मांस का सेवन करा जाता है। पीनस, पीनस जो होता है एक नासागत रोग हो, नाक से संबंधित रोग है, उस रोग में दिया जाता है। कार्श, कार्स अर्थात जो दुबले पतले लोग होते हैं उनको मोटा करने के लिए जाता है। साथ ही साथ केवल वातांश गोमांसम, और साथ ही साथ वातनाशक जो होता है, गाय का मांस जो होता है वातनाशक होता है। लास्ट में हम लोग देखेंगे कि सर्वोत्तम मांस कौन सा होता है, सबसे श्रेष्ठ मांस कौन सा है, तो लाव रोहित गोधा एंड स्वे स्वे वर्गे वरा परम, अर्थात अपने अपने वर्ग में, अपन देखेंगे स्वे स्वे वर्गे मतलब अपने अपने वर्ग में लाव रोहित गोधा एंड, चार चीजें हैं। तो यहां पर लाव, लाव का मतलब होता है बटेर, तो देखेंगे अर्थात लाव मतलब बटेर, लाव भी यहां पर बटेर भी यहां, इसका मतलब लाव बटेर एक ही है, ठीक है ना। तो लाव अपने वर्ग में लाव श्रेष्ठ है, तो कौन से वर्ग में लाव है या बटेर है, तो विस्किन वर्ग में सबसे श्रेष्ठ मांस लाव होता था, बटेर होता है। देखेंगे दूसरे नंबर पर रोहित, रोहित मत्स्य वर्ग में आता है, मछली वर्ग में आता है, तो देखेंगे मत्स्य वर्ग में रोहित का मांस, सभी मांसों में मत्स्य वर्ग में रोहित का मांस अर्थात रोहित जो रोहू मछली होता है श्रेष्ठ मांस होता है। गोध, गोध मतलब गोह, जो गोध मतलब गो होता है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग गोध की बात करेंगे, तो गोध किसमें है आपको देखना पड़ेगा। तो यहां देख रहे होंगे गोध दिख नहीं रहा है कहाँ है, तो गोध अपने वर्ग में श्रेष्ठ है। साथ ही एड़, एड़ मतलब मृग, मृग एड़ मतलब मृग वर्ग में एड़ का मान सबसे श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने मांस वर्ग की बात किया है। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट जो है कृत अन्नपान वर्ग की बात करेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।